रेडी। ओ भाई पानी से खराब ना हो जाए कहीं, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए बस। भाई इलेक्ट्रिक साइकिल है, पानी से खराब हो जाएगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस फिलहाल रेडी हो गया हूँ, अब जा रहा हूँ ओरियो के डॉक्टर के पास। लास्ट व्लॉग में आप देखा होगा ओरियो की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उसके ब्लड टेस्ट कराया था, तो आज की रिपोर्ट आ जाएगी। होपफुली सब कुछ सही हो, चलते हैं डॉक्टर के पास पूछते हैं। मम्मी जी मैं जा रहा हूँ ओरियो के डॉक्टर के पास। अच्छा, ओरियो की रिपोर्ट आ गई होगी। रिपोर्ट लेने जा रहे हैं? एक बार हलवा खा ले प्रसाद। चलो अब चलते हैं भाई। देखो ओरियो की तबीयत बिल्कुल ठीक है आज। बाय ओरी। गाइस देखो क्या मस्त लगता है ना, घर के बाहर थार भी खड़ी है, फॉर्च्यूनर भी खड़ी है, दोनों अपनी फेवरेट गाड़ी, 4x4 ऊंची ऊंची गाड़ी। लेकिन सब कुछ आप लोगों की वजह से गाइस, सब कुछ, घर भी, गाड़ी भी, ये गाड़ी भी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव कर लिया है आप लोगों की वजह से, आप लोगों का प्यार, गाड़ियां, घर, फेम और बहुत सारी चीजें, जो कि आज के टाइम पे हर कोई चाहता है, हर यूथ चाहता है, जो भी मेरी एज का है, कि भाई मैं भी ये सब अचीव करूं। बट फिर भी मुझे हेट करते हैं। देखो उनको चाहिए यही यही सक्सेस, उनको भी चाहिए, बट फिर भी हेट करते हैं, वो मेरी सक्सेस को हेट करते हैं काफी लोग। तो अगर आपको भी इतना अचीव करना है, इतनी सक्सेस चाहिए, तो आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। देखो किसी भी जलने वाले के हेट करने से मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मेरी फैमिली मुझे प्यार करती है, मेरी फैमिली पता है मैं कुछ गलत नहीं करता, और जो लोग मुझे प्यार करते हैं, चाहे मैं कुछ गलत भी कर दूं, कुछ गलती भी कर दूं, इंसान हूं गलती करूंगा ना, तो उन वो फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं, फिर भी बताते हैं कि तूने ये गलती कर दी है। तो जो लोग एक्चुअली मुझे प्यार करते हैं वो करते हैं, और मेरी फैमिली फ्रेंड्स वो सब मुझे सही बोलते हैं। तो जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फैमिली फ्रेंड्स और जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनसे बातें करता हूँ, जितने भी लोगों से मिलता हूँ वो सब सही है। अब मैं जिन लोगों को जानता ही नहीं, जिनसे मिलता ही नहीं, जिनसे कोई बात ही नहीं हुई, वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें या फिर कुछ भी कहें, तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे। निर्मल भैया एक्सपोज करने वाले हैं मुझे, एक्सपोज करने वाले हो ना? एक्सपोज हाँ भाई, सही है सही। निर्मल भैया मेरी बहुत सारी बातें जानते हैं, पता नहीं अब किस दिन एक्सपोज करेंगे मुझे, देखना। करता हूँ एक्सपोज, सब बताता हूँ, एक दिन बैठ के करूंगा सब कुछ। सिट डाउन वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, कि सौरभ ऐसा है, सौरभ ऐसा करता है, सौरभ ये करता है, सौरभ वो करता है, ए टू जेड बताऊंगा, ए टू जेड ऊपर से नीचे तक, कपड़े जूते सब बताऊंगा। तो गाइस डॉक्टर के पास से आ गए हैं, रिपोर्ट मिल गई है, रिपोर्ट में कुछ भी खराब नहीं है, सब सही है, नॉर्मल है। बट एक दिक्कत है, उसके लीवर बढ़ गया ओरियो का, तो दवाई वगैरह दे दिया उसको, इंजेक्शन वगैरह लगाना है। ये भाई ये इंजेक्शन उसके मुंह में लगाना है खुद ही घर पे, मतलब मुंह के अंदर दवाई डालनी है, दवाई इंजेक्शन नहीं है, लिक्विड वाली दवाई है, और भी दवाई है, दवाइयाँ चलेंगी, 3-4 महीने तक दवाई चलेंगी इसके। अब दवाई आ गई, और ये दवाई पिलाते हैं, इंजेक्शन भर के पिलानी है उसको दवाई, ऐसे तो पिएगा नहीं, 3 टाइम पिलानी है ये। और ये कहाँ गया, कहाँ गया? और ये छुप गया, छुप गया, यहाँ क्यों छुप गया, दवाई खाने चल बाहर, चल बाहर चल, क्या चलो उठ, आज आज क्या रहा है रे, की गुस्सा दे दे रे को देख के, चलो बाहर से चल बाहर, ऐसे गुस्सा नहीं कर, चल चल ले घूमने, चल गुस्सा नहीं कर, चल घूम आगे ले जा, आजा लिक्विड है क्या? हाँ इंजेक्शन में भर के मुंह में डाल देना, इधर नहीं करो, आई नहीं रहो, ये गोली है, ये सुनो ये इसके लीवर की है, उसको आदत नहीं है ना अभी दवाई खाने की, कभी उसने जिंदगी में खाई नहीं, तो उसको डर लग रहा है दवाई खाने में, तो उसको आदत पड़ जाएगी ना, कि भाई कभी कुछ होगा तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना, अब दवाई खानी पड़ेगी। अब एक्साइटेड देखो, घूमने के लिए कितना एक्साइटेड हो गया। नमस्ते कर लो, नमस्ते नमस्ते करेगा, नमस्ते उसको बोलो, हमारा ये दवाई नहीं खिला सकते भाई, हम हार देगा, आपको सारा आजकल बिगड़ गया यार, तो गाइस जितना हो सकता है हमने कोशिश कर ली है कि नहीं खा रहा दवाई, अब आप कमेंट बताना क्या करना चाहिए दवाई खाने के लिए। डॉक्टर ने बोला कि इसको खाने में लाके भी देनी है दवाई, और ये दवाई नहीं खा रहा, खिला सकता कोई इसको दवाई? हाँ कुनाली खिला सकते हो इसको दवाई? इसके मुंह में डाल सकता है गोली? हैं पीयूष डालेगा, चलो दो पूरी, देख बाहर कौन आया, देख बाहर कौन आया, डाल दी, डाल दी, खाली खाली, इट वाज दैट सो सिंपल, खाली खाली डाल दी, सच्ची खाली करेगा ना, हैं ए गोली बाहर ही है, देखो देखो मैंने तो सीधा अंदर डाली, दो उंगली से सीधा अंदर डाली उसके गले में, यार हमने इतना ट्राई किया भाई, हम 1 घंटे से ट्राई कर रहे हैं, मुंह खोला होगा, निकला मैंने कुछ नहीं करा उसका,
मार दो, मेरे हाथ में गोली थी। ये तो ऐसी मुंह खिला था उसको, मैंने सीधा करा, दो उंगली डाली सीधा करते उनके अंदर। ये तरीका ला है, फुल बार बुला के खिलाओ। एक चीज और खिलानी है, एक चीज और खिलानी है। क्या लिक्विड है? क्या कुछ लिक्विड है उसमें डालना है? क्या बोलते हैं, इंजेक्शन है? इंजेक्शन में डाल के इसके पीछे तक डाल दो। डाल देगा? चलो इंजेक्शन दो, इंजेक्शन दो। सुई नहीं, ये रहा इंजेक्शन। भर लिया पूरा, ज्यादा हो गई। तो उसके मुंह में डाल देगा? कुछ नहीं होली, कुछ नहीं होली, होली कुछ नहीं होली, कुछ नहीं है। ओए खिला दी, देखो थोड़ी सी गिरी है। खिला दी, सब गिर गई। देखो तीन चार मल तो पिला दी मैंने, तीन चार मल तो पिला दी उसको। गिर गई भाई, नीचे गिर गई। पापा जी क्यों यार, उसको तीन चार मल पिला दी मैंने। कुछ तो गया है, कुछ तो गया है, वो बहुत कुछ गया है भाई। रोज रोज पिलानी है उसको, रोज खिलानी है दवाई। जैसे तुम कोई चीज फेंकते हो, ये मुंह में लेके दौड़ता है ना, ऐसे इसमें दवाई भर देना, ठीक है? दवाई भर के इसके फेंक देना, ऐसे निकल जाएगी उससे दवाई। सुन तो से, मुंह में लेगा तो तुम पीछे से इसको सख्त ऐसे मार देना। ऐसे भी हो सकता है, ट्राई तो करना एक आधा बार। तो फिलहाल अब लंच करते हैं, दाल चावल और अचार। तो भी गाइस जा रहे हैं नए घर काम देखने के लिए। यहाँ तो पूरे खंबे ही खंबे हो गए और पानी तो है ही। ये पानी पता नहीं कब जाएगा यार। जब हमारा घर बन जाएगा और हम रह रहे होंगे यहाँ पे, तब देखेंगे इस वीडियो की। देखो ऐसा था, ऐसे बना था यहाँ पे। इस पे हाथ मत लगाओ, ये गिर गया ना ऊपर, सीधा नीचे सिर पे गिरेगा। ये देखो साइकिल ही ले आया। ओ भाई पानी से खराब ना हो जाए कहीं? यहाँ तक नहीं जाना चाहिए बस भाई। इलेक्ट्रिक साइकिल है, पानी से खराब हो जाएगी, पैर थोड़ी खराब होंगे इसके। भाई मस्त मजा आ रहे हैं पर साइकिल चलाने में, मस्त इन सब के बीच से निकालने में। ये देखो भाई ऊपर से कुछ ऐसा लग रहा है अभी। देखो तो मम्मी जी आप बताओ कैसा लग रहा है नया घर? अब देखो अभी बनेगा, अभी लगेगा, अभी तो शुरुआत है बेटा। ये एक्साइटमेंट नहीं आपको? क्यों नहीं है, मैं तो कह रही फटाफट बने, फटाफट आऊँ इसमें। प्रोसेस को एंजॉय करो ना गाइज। मैं तो फुल एंजॉय कर रहा हूँ प्रोसेस को, बनने की प्रोसेस को, कि कैसे बन रहा है, क्या कैसे स्टार्टिंग से अब तक। आजकल कमजोर क्यों हो गया क्या? थका क्यों आप? कोई टेंशन है कोनाली? कोई टेंशन है कोनाली? टेंशन है बेटा, पढ़ाई की टेंशन है? पढ़ाई की टेंशन है? नहीं, स्कूल जाने की है? है स्कूल जाने की टेंशन है? क्यों मतलब स्कूल जाने की क्यों टेंशन, वहाँ कोई दिक्कत है आपको? तो भी गाइस रात के 8 बजने वाले हैं, फिलहाल डिनर रेडी हो, डिनर करते हैं हम। टाइम से डिनर कर लेते हैं 7 या 8 बजे मस्त, और 9 साढ़े 9 बजे तक सारे सोने के लिए भी चले जाते हैं। तो घर पे रूटीन सही होता है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। खाने में दाल रोटी और पेठे की सब्जी। बाकी सब कहाँ है? कुनाली को मैं होमवर्क बड़े प्यार से करा रहा हूं। कुनाली वो टेंशन है बहुत, उसने आज बताया है? हां नहीं तो बेटा सैड सैड था उसके। अरे ये तो देखो कि कितने प्यार से पढ़ाता हूं मैं, है ना? देखो इसको कितने प्यार से एक एक अक्षर करके कर बता रहा हूं। फिर सीधा फोन में से दिखा दो। नहीं बेटा फोन से नहीं, अब फोन से क्या लिखोगे? अब सबसे मुश्किल काम है इसको दवाई खिलाना, दोबारा से दवाई खिलानी है इसको। पीयूसी खिलाएगा अब दवाई। फिलहाल डिनर करते हैं, स्लो करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जब मैं दादा के पीछे बैठता हूँ ना, पता नहीं क्या करता है, स्टंट स्टंट मारता है, मेरे को गिराता है, पता नहीं क्या करता है। फिर भी आप बैठते हो? हाँ। क्यों ऐसे?